नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम भोजपुरी हलचल में, जिसमें हम आपको बताते हैं इंडस्ट्री और स्टारों से जुड़ी कुछ हलचल भरी खबरें जो लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं। पहली खबर जुड़ी है अंजुना सिंह और निधि झा से। बीते कुछ समय से ऐसी खबरें आ रही थी कि यश ने निधि की नज़दीकियों के बाद अंजुना सिंह और निधि में आ गई है दरार, लेकिन इस खबर को झूठ साबित करते हुए अंजुना और निधि ने शेयर की है एक दूसरे के साथ एक तस्वीर जिसमें दोनों काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। अगली खबर है इंडस्ट्री के 10 ऐसे विवादित गाने और फिल्में जिन पर लोगों की नजरें बनी रहीं। इसके अलावा एक खबर ये भी है कि खेसारी लाल ने अपने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि सुधीर सिंह की औकात नहीं है कि वो मेरी जीप काट लें। इस बात के जवाब में सुधीर सिंह ने एक पोस्ट साझा किया है एकदम गुस्से भरा। अगली खबर है खेसारी लाल यादव से ही। खेसारी लाल यादव सोना पहनते हैं, उनके सोने पर सबकी नजर है, आप लोग जानते होंगे। लेकिन हाल ही में अपने स्टेज शो में खेसारी लाल ने ये बात बयां की है कि मुझसे ज्यादा तो मेरी पत्नी सोना पहनती है, आप लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया है। इसके अलावा और भी कुछ खबरें हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो उन खबरों पर विस्तार से एक बार नजर डाल लीजिए। यहाँ इन दिनों खेसारी लाल यादव और आकांक्षा अवस्थी की फिल्म दबंग सरकार जहां बिहार और झारखंड के सिनेमा घरों में काफ़ी ताबड़तोड़ कमाई कर रही है, तो वहीं जहां इस फिल्म को दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 28 दिसंबर को रिलीज़ किए जाने की बात सामने आ रही है, तो हाल ही में इस फिल्म को लेकर खबर आ रही है कि इसे जल्द ही पंजाब में भी रिलीज़ किया जाना है। खबरों से पता चला है कि पंजाब के एक डिस्ट्रीब्यूटर ने बताया है कि इसे मार्च या अप्रैल में रिलीज़ किया जाएगा, लेकिन फिलहाल पंजाब में इसकी रिलीज डेट सामने नहीं आई है। बता दें आपको कि फिल्म दबंग सरकार ने झारखंड और बिहार में ताबड़तोड़ कमाई की और फिलहाल इसका तीसरा हफ्ता चल रहा है और इन दिनों भी इस फिल्म के लिए सिनेमाघर हाउसफुल चल रहे हैं, जिससे ये तो साफ है कि ये फिल्म काफ़ी दमदार है और दर्शकों को काफ़ी पसंद आई। लेकिन ये देखना काफ़ी मज़ेदार होगा कि पंजाब में रह रहे लोगों को ये फिल्म कितनी पसंद आती है और पंजाब के दर्शकों के सामने ये फिल्म कब तक आती है। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया से चांदनी की रिपोर्ट। इन दिनों भोजपुरी के जुबली स्टार कहे जाने वाले दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और आम्रपाली और स्वाति साथ शुभी शर्मा की फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 3 ने जहां भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर बिहार और झारखंड में खूब धमाल मचाया, तो वहीं हाल ही में खबरें आ रही हैं कि इस फिल्म को जल्द ही मुंबई और गुजरात में रिलीज़ किया जाएगा। वहीं बता दें कि खबरें आ रही हैं कि इस फिल्म को मुंबई और गुजरात में 21 दिसंबर को रिलीज़ किया जाएगा। वहीं बता दें कि इन दिनों निरहुआ आम्रपाली अपने कई प्रोजेक्ट्स को लेकर बिजी हैं जो कि उनके फैंस को आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगी, लेकिन अब ये देखना भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा कि मुंबई और गुजरात में इस फिल्म को दर्शकों का क्या रिस्पॉन्स मिलता है। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया से जानने की रिपोर्ट। भोजपुरी सिनेमा की हॉट केक अंजुना सिंह इन दिनों अपनी नई नई फिल्मों को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बनी हुई हैं। अपनी हर फिल्म में अंजुना अलग अलग हीरो के साथ नजर आएंगी, लेकिन बीते कुछ दिनों पहले अंजुना और यश की खबरें काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। खबर ये थी कि निधि से यश की नज़दीकियों के कारण अंजुना, यश और निधि दोनों से खफा हैं, लेकिन इस खबर को झूठ साबित करते हुए एक बार फिर से साथ देखी गई हैं निधि झा और अंजुना सिंह। जी हाँ, हाल ही में अदिति को गोद में लिए निधि झा ने अंजुना के साथ एक तस्वीर शेयर की है और वो तस्वीर अंजुना ने भी शेयर की है, जिससे ये तो साबित होता है कि दोनों के बीच कोई मनमुटाव नहीं है। हालांकि यश से आजकल निधि दूर दिखाई दे रही हैं, लेकिन फिर भी यश के साथ सुनने में आया है बहुत जल्द निधि झा एक फिल्म भी करेंगी। यहाँ तक कि निधि और अंजना भी एक फिल्म में आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली हैं। वो अलग बात है कि निधि झा इन दिनों बड़े बड़े कलाकारों के साथ नज़र नहीं आ रही, लेकिन उनके नाम पर ही लोग उनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं। आने वाले दिनों में कल्लू के साथ भी निधि झा की बहुत सारी फिल्में आने वाली हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। वैसे तो हर साल बीतने के बाद लोग अपनी अच्छी बिताई हुई यादों को याद करते हैं और जो बुरा हुआ है उसे सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज हम इंडस्ट्री में इस साल की वो 10 विवाद आपको बताने जा रहे हैं जिसके बाद पूरी इंडस्ट्री में मच गई खलबली। आज हम ऐसा ही कुछ आपको बताने जा रहे हैं।
जो आपके मन पसंदीदा सुपरस्टारों से भी जुड़ा हुआ है, जिसके बाद ये भी साबित हो जाएगा कि इस साल का कॉन्ट्रोवर्शियल किंग कौन रहा है इंडस्ट्री में से। सबसे पहले पवन सिंह और खेसारी लाल की एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई संदीप तिवारी को लेकर, हालांकि बाद में पवन खेसारी दोनों मिल गए। अगला विवाद शशिकांत के एक पोस्ट पर हुआ निरहुआ के साथ, हालांकि अब ये मामला शांत हो चुका है, लेकिन जेल जाने तक की नौबत आ चुकी थी दोनों के लिए। अगला विवाद था राकेश मिश्रा से जुड़ा, जब राकेश मिश्रा ने बोलबम का एक अश्लील गाना गाया और उन पर FIR दर्ज करवा दी गई। अगला विवाद हुआ प्रदीप पांडे चिंटू के गाने पांडे जी का बेटा हूँ चुम्मा चिपक के लेता हूँ पर, जिस कारण एक सिंगर भी जेल गया। अश्लील गानों के खिलाफ इंडस्ट्री के बड़े बड़े सितारों पर भी केस दर्ज किए गए, हालांकि बाद में वो सारे केस वापस ले लिए गए। प्रियंका पंडित से खेसारी का विवाद हुआ, खेसारी की कई सारी कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई। सुधीर सिंह के साथ खेसारी की बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई। फिल्म मंदिर वहीं बनाएंगे पर विवाद हुआ प्रियंका पंडित के एक दुल्हन चाहिए पाकिस्तान 2 के सीन पर विवाद हुआ। खेसारी पर पथरा हुआ, पवन सिंह पर पथरा हुआ। एक बाबा द्वारा खेसारी पवन समेत निरहुआ को गाली मिलना शुरू हुई। खेसारी का राजनीति में शामिल होना भी विवादों में छाया रहा। तो इसी तरह से इस साल भी सबसे ज़्यादा विवादों में छाए रहे सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल, और इस साल यानी 2018 के कॉन्ट्रोवर्शियल किंग भी खेसारी लाल ही बने हैं। कॉन्ट्रोवर्शी में रहने का एक फ़ायदा ये भी हुआ कि खेसारी लाल का नाम वहाँ वहाँ तक पहुँचा जहाँ उन्हें कोई नहीं जान पाया। उनकी लोकप्रियता में 4 चांद लगे, उनके गाने और फिल्में देखने वाले की भी संख्या बढ़ी, लेकिन उन पर लग गया इस साल का एक टैग और वो है कॉन्ट्रोवर्शियल किंग। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव हमेशा किसी ना किसी कारण को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। खेसारी के किसी भी ऐसे मुद्दे पर लोगों की नजरें आसानी से हो जाती हैं जिसमें विवाद या फिर दुश्मनी शामिल हो। सिर्फ इतना ही नहीं, एक समय पर तो लोगों की नज़रें खेसारी के सोने चांदी के आभूषणों पर भी बनी हुई थी। आप लोग जानते होंगे कि खेसारी लाल की पूरे गले और हाथों में सोने के आभूषण देखे जाते हैं। खेसारी लाल से इस सोने पर कई बार सवाल भी पूछा गया है। वो हमेशा यही कहते नज़र आए हैं कि उन्हें दहेज में कुछ नहीं मिल पाया था, जिस गुस्से में वो सोने और चांदी के गहने पहनते हैं। हाल ही में खेसारी लाल ने छपरा में एक स्टेज शो किया, जहां खेसारी लाल से पूछा गया कि आप इतना सोना पहनते हैं, इसके लिए पैसे आते कहां से हैं। खेसारी लाल ने कहा कि मुझे ये पैसे लोगों द्वारा दिए गए हैं जिसके बदले में मेहनत करता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। लगता है आप लोगों ने मेरी पत्नी चंदा को नहीं देखा, वो तो मुझसे भी ज़्यादा सोना पहनती है। वेल, ये बात सच है। हाल ही में ऋषभ और कृति के बर्थडे पार्टी में खेसारी लाल की पत्नी को भी सोने के गहनों से लदा हुआ देखा गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, खेसारी की भतीजी की शादी में भी खेसारी की पत्नी गहने से सजी हुई थी। इसके अलावा जब खेसारी लाल से ये पूछा गया कि वो छपरा हमेशा अकेले स्टेज शो करने क्यों आते हैं, अपनी हीरोइनों को अपने साथ क्यों नहीं लाते, खेसारी ने जवाब में कहा कि अपनी हीरोइन को लाके छपरा में मार करवाना है क्या, मैं उन्हें यहाँ इसलिए नहीं लाता क्योंकि यहाँ पर लोगों की भीड़ मुझे देखने के लिए बहुत ज़्यादा लगती है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। भोजपुरी सिनेमा में आमतौर पर गायक ही नायक बनता है, लेकिन हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ ऐसे भी सिंगर हैं जो फिल्मों से दूर रहते हैं, जो सिनेमा पर्दे से दूर रहते हैं, लेकिन हर फिल्मों की ज़रूरत है क्योंकि हर फिल्म में इनकी आवाज़ के गाने लाए जाते हैं। तो आज हम आपको भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के कुछ ऐसे ही गायकों से मिलवाने जा रहे हैं। इन दिनों सबसे ज़्यादा लोकप्रिय गायिका के रूप में उभरी हैं प्रियंका सिंह, इंदु सोनाली, गोलू राजा, आलोक कुमार, देवी, हनी बी, खुशबू राज, ममता राउत, मालिनी अवस्थी, मोहन राठौर, राकेश मिश्रा, सलोनी ठाकुर, अनामिका सिंह, ऐश्वर्या पंडित, खुशबू उत्तम, अंकुश राजा,
अनु दुबे, रिनी चंद्रा, पुष्पा राणा, पवन परदेशी और वर्षा तिवारी। इसके अलावा कई सिंगर छूट भी गए होंगे क्योंकि सोशल मीडिया पर आप आए दिन ना जाने कितने सिंगरों के गाने सुनते हैं, लेकिन हमारे लिए हुए नाम वो नाम हैं जो अक्सर आपको फिल्म इंडस्ट्री से बनी हुई किसी भी फिल्म में अपनी आवाज़ देते नज़र जरूर आएंगे। इनकी खूबसूरत आवाज़ में लोग इनके गानों का इंतज़ार करते हैं। सोशल मीडिया पर इनके गाए हुए गानों की धूम हमेशा बनी रहती है। आज के भोजपुरी हलचल से जुड़े प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही इंडस्ट्री और स्टारों से जुड़ी हलचल भरी खबरों के साथ, लेकिन तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।